चेन्नई के चेपक मैदान में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की, जिसमें शिखर धवन और ऋषभ पंत के बल्ले से खूब रन बरसे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज 3-0 से जीत ली। शिखर धवन ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 62 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्के जड़े। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए 130 रन की शतकीय साझेदारी की। धवन अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर कैच आउट हुए। उन्हें फैबियन एलन की गेंद पर कायरन पोलार्ड ने लपका। उनके आउट होने के बाद मेजबान टीम को अंतिम गेंद पर 1 रन की जरूरत थी, तब मनीष पांडे 4 रन बनाकर सिंगल लेकर टीम को जीत दिलाई। युवा बल्लेबाज पंत ने 38 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 58 रन बनाए। उन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला अर्धशतक जड़ा। पंत को 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर कीमो पॉल ने बोल्ड किया। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम को पहला झटका 13 रनों के टीम स्कोर पर कैप्टन रोहित शर्मा के रूप में लगा। उन्हें कीमो पॉल की गेंद पर कैप्टन कार्लोस ब्रैथवेट ने लपका। रोहित ने 6 गेंदों पर 1 चौका लगाया। इसके बाद शिखर धवन ने लोकेश राहुल जो 17 रन के साथ दूसरे विकेट के लिए 32 रन जोड़े। राहुल विकेट के पीछे ओसेन थॉमस की गेंद पर रामदीन के हाथों लपके गए। उन्होंने 10 गेंदों पर 4 चौके जड़े। फिर धवन और पंत ने शानदार पारियां खेली और टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।